रात करीब 8:45 बजे जय अम्बे ढाबा हिमालपुर थाने में जो पड़ता है वहाँ पर दो मोटरसाइकिल से 5 बदमाश आए थे। इन्होंने वहाँ चाय पिया और चाय पीने के बाद में जब जाने लगे तो जो काउंटर पे पेशेंट जैसा लेने वाला जो बैठा था वहाँ उसके पास जाकर कट्टा वगैरह आया और उसके गले में रखा हुआ बैग छीन के लूट लिया और भागने लगे। उस पर वहाँ हल्ला हुआ और गांव वालों ने इसका उनका पीछा करा, घेर लिए और पुलिस को खबर रही, पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस और गांव वालों ने मिलकर इनको पकड़ा है वहाँ और उसके बाद थाने लेकर आए थे। वहाँ पूछताछ हुई, पूछताछ में मालूम पड़ा कि इन लोगों ने करीब 11:30 बजे के आसपास बाईपास पर भी घटना करी, उसमें भी पूछताछ की जा रही है। सर जो बाईपास वाली घटना थी कौन सी, भौरीलाल परिवार के? हाँ, राइट राइट, ये तो भौरीलाल का परिवार जो आ रहा था वहाँ से भोपाल से, उनके साथ घटना घटी थी। सर इसमें आरोपी कौन कौन? आरोपी इसमें एक तो विशाल है, नितिन है, आशीष है, सचिन है, राहुल है, ये सब इंदौर परदेसीपुरा के रहने वाले हैं, भागीरथपुरा के। सर ये इन्होंने घटना किस तरह से बताई कि कहाँ जा रहे थे, लूट के हिसाब से आए थे कि क्या घटना कौन सा? पूछताछ में पहले तो ये लोग बता रहे थे कि हम लोग तो शिरडी जा रहे थे, हम तो बड़े इंपेशेंट हैं, लेकिन फिर बाद में जब विस्तृत पूछताछ हुई तो फिर इन्होंने बताया कि वो यहाँ इन्होंने बाईपास पे वो भौरीलाल परिवार आ रहा था भोपाल से, उनके साथ घटना घटी गई, फिर वहाँ से भर के वहाँ ढाबे पे गए और फिर ढाबे पर घटना घटित करी। अभी पूछताछ की जा रही, देखते हैं। रिकॉर्ड ढूंढवा रहे हैं, जैसे कि परदेसीपुरा थाने क्षेत्र के रहने वाले हैं तो वहाँ परदेसीपुरा टीम गई है, वहाँ रिकॉर्ड हुआ है तो वो लेकर आएंगे। थैंक यू।